नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की खास पेशकश 2016 ग्रहों का धमाल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद जी। हाँ, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि 2016 ग्रहों का धमाल और ऐसे में गुड लक बॉक्स करेगा कमाल। हर तरह की आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है गुड लक बॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं जिस चीज के बारे में, वो सबसे अहम मुद्दा है हमारे देश के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। देश का आधार है महिलाएं और देश की शक्ति है नारी। ऐसे में ये सिर्फ कहना ही बड़ी बात नहीं हो जाएगी, इसके लिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं भी, क्योंकि बोलने मात्र से ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हो जाएंगी, नहीं हो सकती। पुरुष वर्ग को खास तौर पर यहाँ पर ध्यान देना होगा, उन्हें ये प्रण लेना होगा कि हर महिला हर नारी को वो सम्मान भरी नजरों से देखेंगे, उनकी सुरक्षा की जो है वो जिम्मेदारी उठाएंगे, तभी हमारे देश में महिलाएं जो है वो सुरक्षित रहेंगी। क्या कहेंगे आचार्य जी आप? देखिए, एक हर एक देश के हर एक व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। बरज राजा शंकराचार्य जी ने लिखा है कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है परंतु हमारी माता कुमाता नहीं होती है। आज देखिए, वही माता एक बालक को जन्म देती है, उसका इतना लालन पोषण करती है कि बच्चा बिस्तर में पेशाब कर देता है, उस जगह में वो स्वयं लेट जाती परंतु बच्चे को सूखे में लिटाती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो हस्बैंड बन जाते हैं, एक बड़े हो करके बाद में वह माता पिता भाई और बहन का आदर नहीं करते, माताओं का आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते, तब उनके दिल से पूछें कि क्या उनके जीवन में बीतता होगा। दर्शकों, ये हमारे कहने बस में ये चीजें काफी नहीं होगी और ना आपके सुनने तक ये सीमित रहेगा। इसके लिए आपको स्वयं कुछ ना कुछ करने की जरूरत है कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी तब हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे। यदि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम भी अपने आप को सुरक्षित ना समझें। बिल्कुल। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे और सुनवाएंगे आज को आपको आज की विशेष दिव्य स्तुति। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानि च मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। माँ भगवती से प्रार्थना करते कि हे माँ भगवती, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, कि सभी बाधाओं से हमें मुक्त करें, धन धान्य से पूर्ण करें, मनुष्यो मत प्रसादेन, कभी किसी प्रकार का हमारे जीवन में संशय ना आए, भविष्यति न संशया, भविष्य में भी किसी प्रकार का कष्ट ना आए, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करो माँ भगवती। जी हाँ जी। और चलिए अपने विषय पर आ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि 2016 में हर महिला जो है अपने आप में सुरक्षित महसूस करे, एक भी आंच उन पर ना आ पाए, इसके लिए हम आज विशेष जानकारियां दे रहे हैं और मदद कर रहा है गुड लक बॉक्स। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2016 में वो कौन कौन से महीने हैं जो अशुभ हो सकते हैं, सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिनमें ध्यान रखेंगे, सावधान रहेंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। जी हाँ, 2016 में ये चार महीने जिसको हम कहेंगे कि जून, अगस्त और अक्टूबर और नवंबर, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरे रहेंगे, सेहत से को लेकर के रहेंगे। आगे हम बताएंगे कि कौन से उपाय करने चाहिए जिसके कारण ये जो महीने हमारे लिए अशुभ माने जा रहे ये शुभ फल प्रदान कर ले। कहते कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचना, कि व्यक्ति जो कर्म करता है वही फल भोगता है। आज ये योग बन रहा कि ये चार महीना हमारे लिए हानिकारक हैं, परंतु हम उसके लिए एक अच्छा निष्ठ कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो यही हमारे शुभ फल देने लग जाते हैं ये हमारे ग्रह। तो गुड लक बॉक्स, और गुड लक बॉक्स ये बॉक्स हम ना कहें, हम इसको किस्मत का कनेक्शन कहें या किस्मत की चाबी कहें, कि व्यक्ति के जीवन की दिन और दिशा दोनों यहीं से बदलती है जी। जब ये उपाय आप करते हैं
तो जीवन में पश्चाताप नहीं कर सकते, पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, आगे की ओर ही आप बढ़ेंगे। जी हाँ, कोलकाता से लक्ष्मी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते पंडित जी। जय माँ भगवती बेटा। अरे मैं अपने लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। जी जी बताएं। 15 फरवरी जी 15 फरवरी 1988 जी समय 2:35 AM और प्लेस कलकत्ता है जी। क्या सवाल है आपका? हाँ, उसके पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई में बाधा आ रही है जी। ऐसा कॉलेज में भर्ती हुई आर्किटेक्चर में, उसमें नहीं हो रही है जी। मैं घर में सब छोड़ के बैठी है, पढ़ाई में बाधा, तबीयत खराब, क्या आगे क्या करेगी, कैसे भविष्य रहेगा जी। देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि बच्ची की वृश्चिक लगन है, धनु राशि है और मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। राहु सूर्य की युति जब हो जाती तो सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है, जिसके कारण विद्या, विवाह और कैरियर, ये तीनों क्षेत्र हमारे प्रभावहीन हो जाते और वही स्थिति आपकी बच्ची की में चल रही, तो सूर्य ग्रहण दोष की आप शांति कराएंगे। साथ में मदार का फूल, जिसको आंख का फूल भी कहते हैं, बच्ची के हाथ लगवा करके 5 सोमवार भगवान शिव को चढ़ा दें, ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, कैरियर की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बहुत जल्दी इसको एक अच्छी जॉब लग जाएगी और विवाह के क्षेत्र में भी लाभ मिल जाएगा जी हाँ। और चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जिम्मेदारी हम सबको उठानी है ताकि देश की हर महिला, हर बच्ची जो है बिल्कुल सुरक्षित रहे, एक भी आंच उन पर ना आ पाए, लेकिन गुड लक बॉक्स इसमें आपकी बहुत हद तक मदद करने वाला है। तो क्या कुछ सामग्री आपको जो है इस बॉक्स में रखनी है, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। जी ये गुड लक बॉक्स है, इसमें आज कौन सी सामग्री रखनी है उसको ध्यान से सुने, हमारे दर्शक बाद में कॉल करके पूछते हैं समझ में नहीं आया तो इसे ध्यान से सुने। इसके अंदर में आपको एक बेलपत्र रखना है, 5 चमेली के फूल रखना है और करीब करीब 21 दाने जौ के होने चाहिए और साथ में 1 चुटकी काले तिल यानी 10 ग्राम के समथिंग आप इसमें काले तिल रखें और पीले चंदन का तिलक करें, यानी इस उंगली के द्वारा इसका छिड़काव करें और साथ में सारी सामग्री को एकत्रित करके इस गुडलक बॉक्स के अंदर में डालें। देखिए आपका 2016 किस तरह से किस्मत पलटी खाती है, किस्मत को बदलने वाला एक कार्य है जीवन में, चमत्कार जिसको कहते, ये वो चमत्कारी किस्मत कनेक्शन होगा आपके जीवन में गुड लक बॉक्स। परंतु इसे मैंने वही कहा कि ना मेरे कहने से कुछ होगा ना आपके सुनने से, सिर्फ आस्था, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा, इन चारों के साथ में इसको करिए और जीवन के दिन और दिशा किस तरह से बदलते वो प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं जी हाँ। तो अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि 2016 जब ग्रह जो हैं धमाल मचाएंगे, आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा सकते हैं। 2015 चाहे कैसा भी रहा हो आपके लिए, कई चीजें हैं जो आपने, ख्वाहिशें जो आपने सजोई हुई थी आपको हो सकता है हासिल ना हुई हो, लेकिन 2016 जो है अब ऐसा आपके लिए नहीं होगा। 2016 करेगा कमाल, हासिल करेंगे आप वो हर चीज जिसे आप पाना चाह रहे हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। जी हाँ, तो 2016 आपके लिए वाकई कमाल करेगा, बस आपको हमारे साथ जुड़ना होगा क्योंकि बहुत सारी अहम जानकारियां जो हैं अभी देनी बाकी हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपना नाम और स्थान सबसे पहले। हेलो जी,
हेलो जी, क्या नाम है आपका? मैं माया बोल रही हूँ। माया जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? बॉम्बे से, सांता क्लूज। जी, सांता क्लूज बॉम्बे से। जी, बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू। नमस्ते ब्राह्मण जी। जी नमस्कार जी, बताएं। मेरे को बेटी के बारे में पूछना है। चंद तारीख बताएं बेटी की। 26 जनवरी। जी 26 जनवरी 1969। जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। 1969 हालांकि इन्होंने बताया है, लेकिन समय क्या है जन्म का? माया जी, जन्म का समय बताएं आप। शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया और हम चाहेंगे कि इनको दोबारा से लाएं। जी, इन्हें हम दोबारा कॉल लगा रहे हैं और लगता है ये नेटवर्क एरिया में नहीं है, शायद फोन नहीं लग पा रहा है जी, पर हम इन्हें प्रयास करेंगे दोबारा लगाने की, क्योंकि ये लकी कॉलर लकी है। लेकिन कॉलर है जी। लेकिन माया जी जो है, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने जो दी, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दी है जी, तो आप जो है अभी फिलहाल जानकारी पूरी ना होने की वजह से, इसके अभाव के चलते हम आपको सवाल, मैं आपका सवाल भी मर तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए जवाब भी नहीं मिल पाएगा। फिलहाल हम आपको कॉल लगा रहे हैं, आपसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया, लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल, आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का, कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, गुड लक बॉक्स जो है हर महिला की सुरक्षा का जो है, जो अपनी जिम्मेदारी है निभा रहा है और आपकी रक्षा करेगा। 2016 में हर नारी जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। लेकिन इसके अलावा हम ब्रेक से पहले लकी कॉलर से बात कर रहे थे, लेकिन फोन कट गया था। एक बार फिर इन्हें हमने कॉल लगाया है, इनसे अब हम बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका दोबारा शो में, बताएं अपने बारे में, जिनके बारे में भी आप जानना चाह रही थी। माया जी, माया जी बोल रही हूँ। जी जी नमस्ते आपको। नमस्कार। मेरे को बेटे के बारे में पूछना है, जिसका जन्म है 26 जनवरी 1969। जी 5:30 PM बॉम्बे में। जी क्या सवाल है आपका इनके लिए? बच्चा नहीं हो रहा है कुछ, इसके बारे में पूछना है। बच्चा हुआ था जी, तो एक ही हफ्ते में गुजर गया और अभी दूसरा नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि बच्ची की जिस तरह से कुंडली है और संतान का योग है, ऐसा नहीं है कि संतान नहीं रहेगी, परंतु गुरु और केतु तृतीयेश में है, जिसके कारण इनका पितृदोष भी बन रहा है
और शुक्र अष्टम घर में अस्त होकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज भी इनके अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही, दो इशू बहुत बड़े हैं। इसके लिए शुक्रवार के दिन अभ्यागतों को, जरूरतमंदों को दूध से बने हुए वस्तुओं का दान कराएं, खिलवाएं, और साथ में गुरु चंडाल दोष की शांति होती है वो आप करवाएं। ये दो उपाय करेंगे तो विदिन 3 से 4 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जी जी हाँ। और आचार्य जी, कल 10 बजे हमारी एक बहुत ही खास पेशकश आने वाली है जिसका नाम है सुपर से ऊपर 2016। जी हाँ, 2016 जो है वाकई सुपर कूल होने वाला है, हर ख्वाहिशों को पूरी करने वाला है। और क्या सियासत, क्या स्पोर्ट्स, क्या सिनेमा और क्या आपके सितारे, हर तरह की जानकारी आप तक उपलब्ध कराई जाएगी। ये जानकारियां देंगे हमारे 3 धुरंधर। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। सिनेमा, स्पोर्ट्स और सितारे, साल 2016 की पूरी हलचल लाएंगे आपके सामने 3 धुरंधर हमारे सुपर से ऊपर 2016। यहाँ से खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि गुडलक बॉक्स जो है आपको किस खास दिशा में रखना है। जी हाँ, ये गुडलक बॉक्स आप उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में रखें। अगर आपके घर में किसी तरह का कोई नेगेटिव पन है, नकारात्मक ऊर्जा भी समाई हुई है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। जी जी, जी। तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में आप इसे रखें और उसके बाद देखिए कमाल दिखाना शुरू कर देगा। और चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए अपने अपने मूलांक के अनुसार अपना अपना सीक्रेट नंबर। जी हाँ, 1 नंबर वालों के लिए आज होगा 75, 2 के लिए होगा 23 और 3 के लिए होगा 81 नंबर। बात करेंगे हम 4 के लिए तो ये 14 नंबर और 5 के लिए होगा 56 नंबर। बात करेंगे 6 के लिए होगा 31 नंबर। जी हां, 31 नंबर। और 7 के लिए होगा 29 यानी 29 नंबर। और 8 के लिए होगा 41 और 9 के लिए होगा 110 नंबर। इसे किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें और अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष, नदी, तालाब कहीं भी विसर्जित इसे कर सकते हैं। जी हाँ। और चलिए गुडलक बॉक्स की ताकत को बढ़ाएं ताकि वो अपना असर दिखाना शुरू करे। किस समय पर इसको हाथ लगाना है आइए बताते हैं। प्रातः काल इस गुडलक बॉक्स को आप सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच स्पर्श कर सकते हैं, 6 से 9 के बीच में। और यदि हम बात करें शाम की तो शाम के भी 5 बजे से 8 बजे के बीच इसे स्पर्श करें और एक दीपक जलाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि भगवान 2016 हमारे लिए मंगलमय हो, तो ये गुडलक बॉक्स आपके जीवन में, आपके घर में मंगल ही मंगल कर दे। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे महिलाओं की सेहत के बारे में, आपसे हैं हमने। जी हाँ, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें सबका ध्यान रखती हैं, अपना ध्यान नहीं रखती। ये खास उपाय उनके लिए है कि कमर में दर्द ठंडियों में हो जाता, घुटनों में दर्द हो जाता, इसके लिए हल्दी और तेल गुनगुना करके लगाएं, ये जो दर्द है ये दूर भाग जाएगा जी। और आप बिल्कुल रहेंगी निरोग और हंसती और मुस्कुराती सदा रहेंगी। बिल्कुल जी।
और शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भगवती जी। और कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद जी। हाँ जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि 2016 ग्रहों का धमाल और ऐसे में गुड लक बॉक्स करेगा कमाल। हर तरह की आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है गुड लक बॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं जिस चीज के बारे में वो सबसे अहम मुद्दा है हमारे देश के लिए। जी हाँ हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। देश का आधार है महिलाएं और देश की शक्ति है नारी। ऐसे में ये सिर्फ कहना ही बड़ी बात नहीं हो जाएगी। इसके लिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है हमारा धर्म बनता है कि हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं भी क्योंकि बोलने मात्र से ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हो जाएंगी। नहीं हो सकती। पुरुष वर्ग को खास तौर पर यहाँ पर ध्यान देना होगा। उन्हें ये प्रण लेना होगा कि हर महिला हर नारी को वो सम्मान भरी नजरों से देखेंगे उनकी सुरक्षा की जो है वो जिम्मेदारी उठाएंगे तभी हमारे देश में महिलाएं जो है वो सुरक्षित रहेंगी। क्या कहेंगे आचार्य जी आप? देखिए एक हर एक देश के हर एक व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवती। ब्रज राजा शंकराचार्य जी ने लिखा है नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की खास पेशकश 2016 ग्रहों का धमाल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषी आचार्य। आज कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है परंतु हमारी माता कुमाता नहीं होती है। आज देखिए वही माता एक बालक को जन्म देती है उसका इतना लालन पोषण करती है कि बच्चा बिस्तर में पेशाब कर देता है उस जगह में वो स्वयं लेट जाती परंतु बच्चे को सूखे में लिटाती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो हस्बैंड बन जाते हैं एक बड़े हो करके बाद में वह माता पिता भाई और बहन का आदर नहीं करते हैं माताओं का आदर नहीं करते हैं सम्मान नहीं करते तब उनके